आज है 9 जून 2024 और आज की डेट में पीएम मोदी का तीसरे कार्यकाल का जो शपथ समारोह है वो यहाँ पर संपन्न हो चुका है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि कौन कौन से मंत्रियों को यहाँ पर कैबिनेट का दर्जा दिया गया है और उनको यहाँ पर क्या क्या पद दिए गए हैं, कौन कौन सा वो डिपार्टमेंट यहाँ पर संभालने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को सभी जगह पहले शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को प्लीज जो है लाइक जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, यहाँ पर 240 सीट बीजेपी ने जीती है और एनडीए के गठबंधन से उसको टोटल 293 सीटें मिली हैं। इसमें जो है टीडीपी की 16 सीटें हैं, जेडीयू की 12 सीटें हैं, बाकी कुछ अन्य गठबंधन यहाँ पर जो दल हैं वो शामिल हैं। टोटल एनडीए की यहाँ पर 293 सीटें हैं और इस वजह से बहुमत दल के जो नेता हैं वो पीएम मोदी जी फिर से यहाँ पर चुने गए हैं। और यहाँ पर 1952, 1957 और 1962 के आम चुनावों को जीतकर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी यहां पर इन्होंने कर लिया है। फिलहाल आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं मंत्रियों की लिस्ट। यहां पर मंत्रिमंडल में जिन्हें शामिल किया गया पहले उनको देख लेते हैं। राजनाथ सिंह को शामिल किया गया है, अमित शाह कैबिनेट मंत्री बनेंगे, नितिन गडकरी भी कैबिनेट मंत्री बनेंगे और जेपी नड्डा भी है इसमें शामिल। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान को इसमें शामिल किया गया है पहली बार। जेपी नड्डा अभी आप सभी को पता है कि ये पार्टी अध्यक्ष थे, इनको जो है इस बार कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। निर्मला सीता रमण जी पहले से वित्त मंत्री थे, इनको भी जो है यहाँ पर कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ सुब्रमण्यम शंकर जी को, जयशंकर जी को, मनोहर लाल खट्टर को जो कि हरियाणा के सीएम थे पूर्व, यहाँ पर फिर देख सकते हैं हरदनी हल्ली देवगौड़ा कुमार स्वामी को यानी एचडी देवगौड़ा को, पीयूष गोयल को, धर्मेंद्र प्रधान को, इसके अलावा जीतन राम मांझी ये जो है बिहार से हैं, इनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। ये नए चेहरे हैं यहाँ पर कुछ। इसके अलावा राजीव रंजन सिंह यानी ललन सिंह को बनाया जाएगा, सर्वदानंद सोनेवाल कैबिनेट मंत्री ये बनेंगे, असम से आते हैं, डॉक्टर बीरेंद्र कुमार ये भी कैबिनेट मंत्री बनेंगे, राम मोहन नायडू को भी यहाँ पर कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा प्रहलाद जोशी हैं, ज्वेल उरांव हैं, गिरिराज सिंह हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, भूपेंद्र यादव हैं, साथ ही साथ यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, अन्नपूर्णा देवी हैं, किरण रिजिजू हैं, हरदीप सिंह पुरी हैं। इसके अलावा यहाँ पर मनसुख मांडविया हैं, जी किशन रेड्डी हैं, चिराग पासवान हैं जो कि बिहार से आते हैं, इनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर सी आर पाटिल हैं, राव इंद्रजीत सिंह हैं, जितेंद्र सिंह हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, फिर यहाँ पर प्रताप राव जाधव हैं, जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के हैं जो है इनको भी बनाया जाएगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा जितिन प्रसाद, इसके अलावा श्रीपद यशो नाइक और साथ साथ पंकज चौधरी इनको राज्य मंत्री बनाया जाएगा। तो ये कुछ जो लिस्ट थी वो राज्य मंत्रियों की थी प्लस कैबिनेट मंत्रियों की थी, ये लिस्ट अभी हमने आपको बता दिया। इन सभी का जो शपथ समारोह है हो चुका है और अब इन सबको जो है डिपार्टमेंट दिए जाएंगे। मतलब आपने यहाँ पर जो लिस्ट देखा अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर किसको कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा। अभी ये चीजें क्लियर नहीं हुई है, अगले 1 से 2 दिन के अंदर हो जाएंगी। जैसे ही क्लियर होंगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता देंगे। अभी आपने बस इतना समझ लिया कि ये कैंडिडेट जो है कैबिनेट में शामिल किए गए हैं और कुछ कैंडिडेट हैं जो कि राज्य मंत्री का दर्जा यहां पर उनको मिला हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही था, नया वीडियो आएगा उसमें आपको हम बता देंगे कि राजनाथ सिंह को कौन सा पद दिया गया है। देखिए अभी ये रक्षा मंत्री हैं, फिलहाल इनको रक्षा मंत्री दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। और अमित शाह गृह मंत्री थे अभी तक, अब इनको गृह मंत्रालय दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, अभी ये चीजें ओपन नहीं हो पाई है। तो फिलहाल आप 1-2 दिन का इंतजार करिएगा, हम आपको जल्दी ही बताएंगे। वीडियो के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल जो लोग शामिल हुए हैं, जो नए चेहरे थे उनको भी हमने आपको हाईलाइट करके यहाँ पर बता दिया। जैसे ये नए चेहरे थे शिवराज सिंह चौहान, कुछ अन्य चेहरे थे यहाँ पर उनको भी हमने आपको बताया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। बस मुझे यही लग रहा है कि जिनको जो डिपार्टमेंट पहले दिया गया था शायद जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनको डिपार्टमेंट वही मिले, बाकी जो भी चेंजिंग होगी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। तो जैसे ही इनको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाते हैं हमारा नया वीडियो आ जाएगा, आप उससे चीजें समझ लीजिएगा। फिलहाल जितने कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट हमने आपको यहाँ पर बता दिया। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।